देखो वीडियो, इस साल वर्ल्ड कप का साल है तो मैं इस पे फोकस डालता हूँ। सबसे ज्यादा भाई मैन ऑफ द मैच किसको मिला इस साल, क्योंकि भाई वर्ल्ड कप का साल है तो एनालाइज करके मैं सोचू क्यों ना यार इंडिया टीम में जितने भी प्लेयर है ना जो वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं उनका स्टेट्स देख लूं कि कौन सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया है। तो चलो मैं इस पे थोड़ा रोशनी डालते हैं, क्योंकि वीडियो आपको भी सुनने का बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप का साल है गुरु, तो ऐसे नहीं छोड़ सकते प्लेयर सबको, कि जितने भी प्लेयर है 11 के 11 सब पे रोशनी डालना होगा। तो चलो बिना बकचोदी के नया काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा भाई सर्वाधिक मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अवार्ड लिया है। देखो अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिसेंटली मैं बात कर लूंगा तो मोहम्मद शमी, और मोहम्मद शमी का यार बहुत ही अंडररेटेड बॉलर बन के रह गया है इस साल, क्योंकि देखो सब जानता है कि मोहम्मद शमी क्या कर सकता है। इसके बावजूद भी भाई शार्दुल ठाकुर भाई आपको रन चाहिए या विकेट चाहिए? अगर मान के चलो उस दिन जो था श्रीलंका के खिलाफ आपने 50 पे ऑल आउट कर दिया था, उसमें आपको कौन सी बैटर की जरूरत पड़ा भाई? आपको शार्दुल ठाकुर का जरूरत पड़ा नहीं ना, दो ही आपको काम तमाम कर दिया ना ओपनिंग। तो आप ये देखोगे ना कि यार आप विकेट अगर जब लोगे ना तो रन का कोई मायने नहीं रखता भाई, इन्हें कहीं आप शमी को ज्यादा फोकस करो शमी पे। उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल में ही मैन ऑफ द अवार्ड ले लिया भाई मैन ऑफ द मैच का, उन्होंने टोटल 5 विकेट चटकाए गुरु, 10 ओवर में टोटल 51 रन देखे, और इस साल ना 2 मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल चुका है मोहम्मद शमी को, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। नंबर 2 अपना किंग कोहली भाई, किंग कोहली तो भाई कहीं भी किसी हाल में पीछे नहीं रहने वाला, और इस साल सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है किंग कोहली को, 3 इनको मिल चुका है मैन ऑफ द मैच का अवार्ड गुरु, और वो लिस्ट में ना सबसे टॉप पे है, क्योंकि इसके अलावा ना कोई 2 लिया है तो कोई 1 लिया है, 3 तो कोई नहीं ले पाया इस साल का बात कर रहा हूँ इंडियन प्लेयर का। अगर कुलचा का बात करूँ यानी कि कुलदीप यादव, इसको मैं इस कैटेगरी में 3 नंबर पे रखूंगा, क्योंकि देखो गुरु कि कुलदीप यादव ने इस साल में ना भाई मानो कहर मचा दिया, 2 मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इनको भी मिला है, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में ना ये ट्रम्प कार्ड हो सकता है, तो गुरु इस पे कुछ ज्यादा ही नजर रहने वाला है। इस मामला में गिल कहां पीछे रहने वाला भाई, अभी तो इंडिया का दिल बन गया है गिल भाई, कभी पीछे नहीं रहता। अगर इस साल बात करूं तो 2 मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले चुका है गुरु गिल ने, तो मतलब गिल तो भाई कहीं भी अनस्टॉपेबल है, वैसे भी इंडिया में तो आपको तो पता ही है, और रिसेंटली जो चल रहा है ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच, ओह माय गॉड, बंदा जैसे मानो तमाचा मार रहा है बॉलर को, मतलब अनस्टॉपेबल गुरु। रोहित शर्मा यानी कि अपना इंडियन टीम का कैप्टन, लेकिन कैप्टन तो है लेकिन इस साल ना कहीं जूझ रहा था अपना रनों से, बट एशिया कप में और वर्ल्ड कप आने से पहले कहीं ना कहीं फॉर्म में आ चुका है रोहित शर्मा भी, और 50 पे 50 लगा रहा है, अभी 100 उनका पेंडिंग में लेकिन 50 पे 50 लगा रहा है। और अगर बात करो ना मैन ऑफ द मैच अवार्ड का, तो इस साल टोटल 1 ही मैन ऑफ द मैच अवार्ड लिया है रोहित शर्मा के, भाई नाम पे जितना है ना पावर भाई, मतलब रोहित शर्मा अपने आप में बड़ा नाम, उन पे शोभा नहीं देता एक मैन ऑफ द मैच, और टोटली कहना है मतलब प्लेयर पे तो कोई शक ही नहीं है, क्या पता इस साल वर्ल्ड कप में ही मचा दे, तो इन सब प्लेयर पे आप कुछ नहीं बोल सकते हो, जैसे विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, तो इन सब पे आप नहीं बोल सकते, बहुत बड़ा प्लेयर है गुरु, और वनडे में कहीं भी कुछ भी कर सकता है, और खास करके इंडिया में, ओ माय गॉड, ये भी अनस्टॉपेबल रहने वाला है। अगर मैं बात करूं जड्डू का यानी कि जडेजा का, तो इस साल ना टोटल भाई 2023 का बात करूं तो 1 ही मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। वैसे जडेजा का ना भाई स्ट्राइक रेट में इतना गिरावट आया है ना क्या बताऊं, मतलब सपाट पिच पे भी अगर आप बोलो एनएस पे भी इंडिया में भी खेल रहा है, मतलब बंदा कुछ नहीं कर रहा यार, बॉलिंग में अच्छा कर दे रहा है लेकिन बैटिंग में देखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं बैटिंग को देखते हुए भी जडेजा को रखा गया है, कुछ नहीं कर रहा बैटिंग में, लास्ट ना कर दे वर्ल्ड कप में। लास्ट में आता है सिराज, मतलब सिराज का राज चल रहा है भाई, गुंडा राज, मतलब बंदा ने कहर मचा दिया है, अनस्टॉपेबल ये भी है वर्ल्ड कप में ना, ये भी ट्रम्प कार्ड यानी कि बहुत बड़ा प्लेयर बन के निकलने वाला है मोहम्मद सिराज, और कहीं ना कहीं इस साल मतलब बहुत ज्यादा ही फेम कमाने वाला है मोहम्मद सिराज, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बंदा ना मेहनत करता है यार, मैं देखता हूँ ना जी जान से मेहनत करता है, तो वर्ल्ड कप में ना इस पे कुछ ज्यादा ही फोकस होने वाला है। टोटली कहने का मतलब वर्ल्ड कप में मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, इन दोनों पे तो मतलब कुछ ज्यादा ही मैं तो आंख लगा के देखने वाला हूँ। आप लोग क्या बोलते हो? वैसे 1 ही बार मैन ऑफ द अवार्ड मिला है लेकिन यार ये प्लेयर में दम है भाई, दम लगा के बॉलिंग करता है, तो आप लोग इस पे थोड़ा रोशनी डालना और कमेंट में बताना। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।